हेलो गाइस, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं भी उठ गया हूँ गाइस। हेलो गाइस, अभी 9:30 बज रहे हैं और मैं चाय पी रहा हूँ गाइस। हेलो गाइस, मैं शूज साफ कर रहा हूँ गाइस, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगा गाइस। हेलो गाइस, अभी मैं नाश्ता खा रहा हूँ गाइस। हेलो गाइस, अभी मैं दुकान पे जा रहा हूँ गाइस। हेलो गाइस, मैं दुकान पे पहुँच गया गाइस। हेलो गाइस, अभी मैं घर पे आ गया हूँ और खाना खा रहा हूँ गाइस। अभी मैं गाना सुन रहा हूँ गाइस। हेलो गाइस, बारिश में मेरा दोस्त है, इसको मैंने रील डिस्कस करने के लिए बुलाया है और ये आ गया, अभी हम रील डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, अभी मैं ये लीची का गोला हूँगा गोला गाइस। आज मेरा बहुत चिलर है, इसके लिए आज मैं एक सिक्का इसमें डालता हूँ। अभी मैं अपने दोस्त को वीडियो कॉल लगाऊंगा रील और ब्लॉग डिस्कस करने के लिए। हेलो, मेरे दोस्त ने रील भेजी, आ जाओ आज रील्स देखते हैं अभी बैठ के। मेरे दोस्त का बर्थडे है गाइस, तो मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ, उसके लिए रील डाल रहा हूँ। रील डाल दिए गाइस। एक बात बताना चाहता हूँ आपको, अभी हम कोलैब 5 और जनों के साथ भी कर सकते हैं। अभी मैंने इस पर किया, अभी देखते हैं कौन कौन एक्सेप्ट करता है गाइस। अभी मैं अलार्म बना के सोऊंगा गाइस, बाद में उठ के फिर से शॉप पे जाऊंगा और फ़ोन चार्जिंग में लगाऊंगा। अभी अभी बाहर बहुत बारिश हो रही है गाइस, बहुत सारी बारिश हो रही है यहाँ पे। जिस चीज़ का डर था वही हुआ गाइस, 1.5 मिनट से ऊपर की वीडियो बन गई है, तो बाकी की वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए, हेती वाइंस एंड ब्लॉग्स। थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस। मेरी नींद उड़ गई गाइस, मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि मैं जो रील शूट करने वाला हूँ उसके वजह से मेरे दिमाग में बहुत सारी क्रिएटिविटी आ रही थी दिमाग में, और ये व्लॉग जो बना रहा हूँ उस पर भी बहुत हंसी आ रही थी मुझे। तो आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा ये व्लॉग, आप पूरा देखना। थैंक यू। और एक बात मुझे समझ में आई गाइस, हमारी मेरे साथ खास करके ये बहुत बार हुआ है, मेरी कोई कोई वीडियोस बहुत गुम हो जाती है, मिलती नहीं है, तो इसकी वजह से, और मेरी जो मेमोरी भी बहुत फुल हो गई है, तो मैं ये जो भी वीडियो शूट कर रहा हूँ स्नैपचैट पे कर रहा हूँ, और मेरी ये वीडियो पूरा ब्लॉग बन के जब मैं रेडी करके पूरा डालूंगा, फिर सब वीडियोज़ अपने फ़ोन से उड़ा दूंगा। अगर मुझे चाहिएगी भी ये वीडियोज़, तो मैं स्नैप से कभी भी ले सकता हूँ। थैंक यू। अभी मैं दुकान के लिए चाय लेने जा रहा हूँ गाइस। चाय ले लिया गाइस, अभी बात में देखा तो पापा का चप्पल पहन लिया बोल में। गाइस, आज का मौसम बहुत शांत है, थोड़ा बहुत बारिश पड़ रही है, कम ज़्यादा, लेकिन अभी मस्त है बहुत मौसम, बादल भी बहुत मस्त निकले। भाई साहब, मैं दुकान के काम से आया था, तो मैंने रास्ते में थार कार देखी, मैं फ़ोन निकालूं, मैं ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन नहीं करना चाहता था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं निकाली, लेकिन वो बहुत लड़कों की क्रश है वो गाड़ी, मेरी भी क्रश है, हम सब लड़कों का, मिडिल क्लास लड़कों का तो खास करके सपना ही होता है वो कार लेने का। तो मैं आया था 2 नंबर काम से, तो देखिए मेरे सामने क्या है, माता का मंदिर। आप सपने तो देखा ही होगा, लेकिन मैं तो अभी इन सब मंदिरों के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और मैं परसों शिव मंदिर भी जाने वाला हूँ हवाई के, जहाँ पर बहुत बड़े शंकर भगवान जी की मूर्ति है, तो वहाँ पर भी हम रील वगैरह शूट करेंगे और मैं उस दिन का भी पूरा ब्लॉग बनाऊँगा। तो ठीक है, मिलते हैं, अभी टाइम हो रहा है 6:30 शाम के। बाय गाइस। आज की शाम बहुत मस्त है यार, सच्ची में। आप में से बहुत कम जनों को ये पता होगा कि मैं बहुत नेचर लवर भी हूँ, तो ये बादल आहा, क्या मज़ा है यार। मतलब दिल करती है कि बस ये खुले बादल को ही देखें, और मतलब आंखें खोल के सिर्फ बादलों को देखना, तो क्या फील आता है, मतलब माँ कसम यार, सच्ची में बहुत मज़ा आता है यार, सच्ची में। आज मौसम गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ नाश्ता लेने दुकान के लिए। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे याद आ गई कि उस दिन मैं रात को 5 और 4 नंबर से आ रहा था घर पे, 12:30-1 बजे थे, तो वहाँ पे एक जगह पे लाइट बंद थी और बहुत खड्डे थे, और मुझे पहले बार गाड़ी चलाने में इतना डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि क्योंकि क्या हुआ ना, पानी खड्डों में था, और अचानक मुझे ये डर लग रहा था कि गाड़ी चलाने वक्त अगर कोई खड्डा आ गया बड़ा सा और मेरा टायर वायर अटक गया, मैं डबल सीट था मेरे दोस्त के साथ, अगर कल को भगवान ना करके कोई गटर वटर आ गया, हम गाड़ी, मैंने बहुत ऐसे किस्से देखे हैं वीडियोस में, तो बस वो वजह से डर लग रहा था, और रोड की लाइट भी बंद थी, खड्डे भी बहुत थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे कि गाड़ी जो है वो केयरफुली चलाएं, ज़्यादा बच्चों को भी ना दें गाड़ी, और काम हो तभी आप गाड़ी लेके घर से निकलें, वरना आप घर से ना निकलें, अगर आपको पास में ही जाना है तो आप पैदल भी छाता लेके जा सकते हैं। थैंक यू। दुकान से छुट्टी मिल गई गाइस, पर यहाँ पर तो बहुत बारिश पड़ गई अभी, ये तो छाता था मेरे पास, नहीं तो मैं पूरा भीग जाता था गाइस। ये खाना है मुझे मिस्री बुगड़ा, लेकिन मेरे को ये खलें अच्छी नहीं लगती है, तो पहले मैं ये खलों को अलग करूँ,
फिर हम इसका एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि मैंने देखा था, वो भी बनाएंगे हम। मैं दुकान से ये पन्नियाँ भी लेके आया हूँ, इससे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। पहले मैं ये कर दूँ, फिर ये भी करते हैं। मुझे क्या करना है, हाँ एक दोस्त ने मेरे साथ वीडियो कॉलअप की, वो भी डालेगा, वो भी आप सब देखना, मैं अपने स्टोरीज वगैरह पर डालूँगा। और क्या बोल रहा था मैं, पता नहीं भूल गया। हाँ मुझे शेव करवाना था, मैं सोच रहा था आज ही करवा दूँ, जल्दी आ जाऊँगा शॉप से, तो लेकिन अभी ये भी काम है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करना है, तो मैं शेविंग कल ही करवाऊँगा क्योंकि परसों शूट है ना। इसलिए घर पे आया, घर वाले बोल रहे हैं कि टीवी बना के दे, टीवी बना के दे, टीवी नहीं चल रही है। मैं क्या मैकेनिक हूँ या टीवी का जो है क्या बोलते हैं वो केबल वाला हूँ? हाँ ना, चालू करके दिया, चल रहा था लेकिन अटक रहा था। अब मेरे हाथ में थोड़ी नहीं है कि मैं उनको बना के दूँ टीवी। एक और चीज़ याद आ गई, अगर रोज़ को बोलना हो कि चांद पे जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोचो, वरना मैं रात को बताऊंगा। वर्क इन प्रोसेस। मैंने बीच में भी बहुत ट्राई किया था कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूं अपने चैनल पे, मैंने वीडियोस भी निकाली थी, बट मैं मेंटली शायद वो टाइम थोड़ा वीक था, मुझे पता नहीं एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था, पता नहीं बहुत सारे लोड थे दिमाग पे, तो इसलिए मैंने पता नहीं, मैंने शूट भी किया था लेकिन मैं कर नहीं पाया वो चीज़। लेकिन अभी तो मेरे अंदर ऐसा गंदा भूत सवार है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी तो आपको मेरे हर मतलब मेरे चैनल्स पे तो व्लॉग ज़रूर मिलेंगी, तो बस ऐसे ही अपना प्यार जताते देते रहना, हमेशा सपोर्ट करते रहना, शेयर करते रहना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये गाना सुन रहा हूँ मैं अभी, मैं सच्ची बोलता हूँ ये पिक्चर पे गया मैं जाऊँगा तो पक्का, रणवीर सिंह का पक्का फ़ैन हूँ। दूसरी बात, ये गाने पे मैं रोया नहीं ना, मतलब मैं रणवीर सिंह का फ़ैन नहीं, मैं अरिजीत सिंह का फ़ैन नहीं, मम्मी का सब। ये देखो, 40% बूढ़ा, 10% मिश्री, 50% खले, डब्बा बहुत खाली खाली हो गया अभी तो, मेरे को लगता है ये सब उतारा तो, और अभी मैं इसको खाली करूँगा। एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। एक खाली बॉक्स चाहिए, एक माचिस से बड़ेला, एक मेनबत्ती, एक टेप, एक ये चाहिए। एक पनी ले लेते हैं, उसको कट करना है हमको। मैं ये सोच रहा था बैठे बैठे कि आज तो, वैसे तो मैं पूरे सीरियल्स देखता हूँ रात को घर पे, मम्मी ये लोग अनुपमा देखते हैं तो वो भी देख लेते हैं अगर घर पे रहता हूँ तो, उसके बाद चलते हैं तारक मेहता पर चालियाँ चलो तो अभी हम तारक मेहता बहुत कम देखते हैं, उसके बाद पुष्पम पॉसिबल चलते हैं वो भी हम देखते हैं, उसके बाद वन शॉट चलता है वो भी मैं बहुत दिल से देखता हूँ, वो भी बहुत अच्छा चलता है, तो मैं सोच रहा था ये भी सब रात को दिखाऊंगा, लेकिन बाद में पता चला कि आज संडे, आज कुछ भी नहीं चलता है। इसे पॉलीथिन टाइप बना लेना, काली मैच बॉक्स। ये चीज़ अगर मेरे घर वाले देखते थे ना कि मैं ऐसे कर रहा हूँ घर बैठ के, तो मुझे आके पहले मारते थे, घर से बाहर निकालते थे, ये सब चीज़ें मेरे हाथ से लेके किधर छुपा देते थे कि घर पे क्या कर रहा है तू पागल किधर का। पैराशूट टाइप बनाना है हमको। प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम, मेरे से भी ये नहीं हुआ एट द एंड, मैंने भी आधे में छोड़ दिया इसको, बट मैंने देखा था कहीं तो शायद मेरा फॉर्मूला गलत था या मैंने पन्नी यूज़ की, वो शायद दूसरा कुछ होगा वहाँ पे उनका। मैच बॉक्स के ऊपर मोमबत्ती चिपका देनी है, जैसे कि हम उस मोमबत्ती को जलाएंगे तो वो पैराशूट ऊपर उड़ेगा। अब जो हो गया सो हो गया, टाइम पास का टाइम पास हो गया, टाइम भी पास हो गया, टाइम भी वेस्ट हो गया, मतलब जो भी हो गया, चलो ठीक है, बाकी आप आगे कंटिन्यू कीजिए, देखिए कैसा लग रहा है, फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और देखिए अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ। बट बाद में मैं ये सब लिखेगा घर के बाहर वाली सीढ़ी पे किया, जो भी मुझे आग का काम करना था नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन घर के बाहर किया, ये बनाया सिर्फ अंदर ही, अंदर ट्राई किया बट नहीं हुआ तो इसके लिए मैं बाहर चला गया। मैंने जब मोमबत्ती जलाई तो वो पन्नी जल रही थी, जो मुझे चाहिए था वो हुआ ही नहीं, इसके लिए ये प्रोजेक्ट कैंसिल। गाड़ी
गाइस ये मैंने करके तो देखा पर मेरी मेहनत पानी में रही क्योंकि ये पन्नी को आग लग जा रही है, पैराशूट उड़ ही नहीं रहा है, पैराशूट फेल, पैराशूट कैंसिल। पीके भाई आ चुके हैं हमारे एरिया में, हमारे घर के यहाँ पे। ये अपने दोस्त से बात कर रहा है, वही डिस्कस ही कर रहे थे ट्यूसडे का जो है हमारा शूट करना है। ये हमारा पीके दोस्त, इसका नाम है पीयूष पंजाबी, लेकिन हम इसको पीके बुलाते हैं, शायद इसके कान बड़े हैं इसके लिए इसको पीके बुलाते हैं, पता नहीं, बस लोग बुलाते हैं तो मैं भी बुलाता हूँ। ये बोल रहा है आईफोन ले, आईफोन यार अभी आईफोन के लिए इतना बजट भी तो होना चाहिए ना भाई, लेकिन ठीक है, सपोर्ट है इसका भी, बहुत सपोर्ट है एंड ब्लॉग्स को यूज़ करने में। शर्मा मत भाई, अपनी पब्लिक है यार, टेंशन मत कर, हाय बोल दे कैमरा में, बस शर्म को दूर कर, चल जल्दी कर, लड़की है क्या, चल शर्मा मत। ए अभी इसका तो काम हुआ नहीं, इसको वापस डाल देते हैं इसमें। ये इधर बिग बॉस देख रहा है, अभी इधर जलेली भी है एक, देखो ये भाई को भी मिल गया अभी व्लॉग बनाने का, अभी बोलता है तू भाई तो मिले नहीं, अभी ये बोलता है मैं भी व्लॉग बनाऊंगा भाई, ठीक है आजा आजा, सपोर्ट है भाई को फुल। बिग बॉस OTT सीजन 2 गलत तो बात हुई, छावा छावी निकल गई। हमारे दोस्त ने हमको आज एक शायरी भेजी, आ जाओ पढ़ते हैं। जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हमदर्द कोई नहीं, इंसान बहुत है, वाह वाह। दिल का दर्द सुनाए तो सुनाए किसको, जो दिल के करीब है अनजान बहुत है, वाह 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 वाह, क्या बात है सूरज भाई, कम कम कमेंट करने दे, वाह वाह सूरज भाई, क्या शायरी है आपकी, है कि किस किसकी लेके चिपकाई है, चिपकाई है, स्माइली भेजो ही। अरे सूरज भाई का मैसेज है, आ जाओ देखते हैं क्या लिखा। दिल में लफ्ज आ गए तो बोल दिए मैंने, क्या बात है भाई, शाबाश। ये भाई को मेरे से बहुत शिकायत है, उसने बोला तू ऐसे में वीडियो क्यों निकाल रहा है, ऐसे में क्यों नहीं निकाल रहा है, तो मैंने बोला देख अगर मैं ऐसे, एक्चुअली मैंने रील बना रहा था मैं, बट ये इतना मेरे को नहीं मालूम था कि इतना 2-4-5 मिनट की वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए मैंने ऐसे ही निकाला रील के लिए, तो इसलिए अभी मैं पूरी वीडियो ऐसे ही निकाल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसे और ऐसे वीडियो निकाली तो पूरी रिजोल्यूशन ऐसे आएगी, बट अगर मैंने पूरी ऐसे निकाली तो मेरे यूट्यूब पर आप फुल पेज पर देख सकते हो। ये भाई को समझाओ कोई, अभी हम सब आ गए एरिया में, अभी हम सब मिलके जाएंगे झूलेलाल मंदिर में। एक आया एक गया, अभी उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ये है बैवस चौक, मैं जब घर पे था यही सोच रहा था कि ये चौक का नाम बैवस चौक क्यों रखा, खाना चौक रखते थे ना, नाश्ता चौक रखते थे, क्योंकि यहाँ पे इतने नाश्ते के दुकान है, आपको यहाँ पे मेदूवड़ा, डोसा, पाव भाजी, सैंडविच, आलू सैंडविच, चाइनीज सब मिलता है और शेक भी मिलता है साथ में। चलो दोस्त आ गए, हम सिंधियों का चालियाँ चालू हुआ है, मैं उस दिन भी 5 नंबर चालिया मंदिर में गया था, तभी भी मैं पूरा गीला होके गया था, और अभी भी हमारे पास यहाँ पे बारिश पड़ गई है, बस अभी आप मंदिर आने वाला है, हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर भी। ये हमारी शान झूलेलाल भगवान, ये मंदिर मैंने वैसे, हम झूलेलाल मंदिर पहुँच गए हैं, हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं, यहाँ पे बारिश पड़ रही है, मोबाइल गीला हो रहा है। ये मंदिर में हमारी बहुत सारी सिंधी मूवी शूट हुई है, जैसे कि अभी रिसेंटली हमारी मूवी जिसमें मैं भी हूँ, हमारी VT प्रोडक्शन की जो मूवी है 9th मूवी है, उसमें इस मंदिर का जो है पूरा दिखाया गया है, इसमें हमने शूटिंग की है, गानों की गाने रिलीज़ भी हो चुके हैं, ट्रीजर्स भी आ चुके हैं, बस अगस्त में हमारी मूवी भी आने वाली है। सिंधी मूवी का नाम है दे मथा पर कैंजे हथा। उससे पहले हमने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर शूट की है, बहुत सारे झूलेलाल भगवान जी के गाने शूट किए हैं, गर्गुरु और दर पिक्चर भी यहाँ पे हमने शूट की थी, उसके भी आप जो है यूट्यूब पे गाने वगैरह ट्रेलर वगैरह देख सकते हो। हमारी जो मूवी आने वाली है डे मथा पर कैंजे हथा, ये वीडियो से पहले मैंने जो है उसका भी पूरा व्लॉग डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर ही, मैं उसको आपकी लिंक दे रहा हूँ ऊपर, या आप नीचे भी देख सकते हैं कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद झूलेलाल मंदिर का, जैसे मैंने आपको बताया बहुत बार मैंने वीडियोस डाली है, तो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी झूलेलाल मंदिर पे,
मतलब फादर एंड सन की, तो वो भी मैं आज शाम को यूट्यूब चैनल पे आप सबके लिए डाल दूंगा शाम को 5 बजे, तो वो भी आप देखिएगा, उसको भी लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ये है हमारा चालिया साहिब मंदिर। यहाँ बाहर जो है ये जो मैं आपको स्टॉल्स दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आलू कचालू मटर पाव ये सब मिलता है, क्योंकि इन 40 दिन में हमें ओनियन और गार्लिक नहीं खाना होता है। हमारा वो दोस्त नाश्ता लेने गया है वहाँ पे वैवस चौक पे, तो हम यहाँ 4 जन रुके हैं, वो हम एक में से कितने जन खाएंगे, बोल रहा है चलो चलो ए इधर इधर भूख लगी, इधर इधर के खिला जल्दी आ। अभी पापा आया दुकान से, पापा और बड़े पापा, तो खाने के लिए पकोड़े लेके आए और मुझे मिला चीज़ का पकौड़ा, यम यम। ये अंकल ने काला कांडी किया है, चीज़ कम डाला है यार बहुत। ठीक है चलो काम चलाना पड़ेगा, अभी आया तो खाना तो पड़ेगा ही। ये है हमारा चालिया साहिब मंदिर, उल्लासनगर 5 का लाइव चल रहा है जो। आज ये भैया ने भी बहुत हमको हंसाया, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बताई, उसकी मैं आपको लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हैं, बहुत मज़ा आया। और हम सिंधी हैं तो ये दिनों में खास करके हम सिंधी भगवान जी का जो है चादर सुने बिना तो सोते ही नहीं है, पहली बात। तो चादर भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया, और मैं उस दिन गया भी था, वो दिन की मुझे वीडियोस पड़ी है, तो मैं उसको भी थोड़ा ऐड कर दूंगा बीच में। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, रोज़ को अगर चांद पे बेचना हो तो क्या बोलेंगे, तो सिंपल है, गुलाब जामुन। हाँ जी हाँ, तो लगता है आज इस गुलाब जामुन को भी मेरे वीडियो में आना था, तो इसलिए आज ये मेरे घर पे आया, अभी मैं इसको खाने वाला हूँ, बहुत मस्त लग रहा है यार। पर मैंने गोल समझा था कि पापा गोल जामुन लेके आए होंगे गुलाब जामुन, लेकिन ये है चलो फिर आया तो खाना ही पड़ेगा, खा लेते हैं, इसमें क्या है। अभी वैसे तो सोने का टाइम है, लेकिन हम थोड़ी देर इंस्टाग्राम चलाएंगे, थोड़ी देर गेम वगैरह खेलेंगे, टाइम पास करेंगे, फिर ही सोते हैं। मेरा छोटा भाई ना रोज़ रात को पबजी खेलता है 2-2, 3-3 बजे तक, तो जब भी उसका पबजी खेल के हो जाता है ना, तो वो डब्बे खोलता है घर में कुछ बेल वगैरह खाने के लिए, तो जब भी वो डब्बे वगैरह खोलता है ना, तो जैसे ही मुझे आवाज़ आती है और मैं सीधा भाग भाग के इतना तेज़ उसके पास जाता हूँ ना, तो डर जाता है। जैसे कल ही मैंने उसके साथ ये किया था, तो मैं इसके लिए खोलता हूँ कि वो खोलते हैं खाता क्यों, मतलब खाता है लेकिन बेल ख़त्म हो जाती है ना जल्दी जल्दी घर पे। तो ये बहुत बार हुआ है कि वो बेल खोलता है और मैं उसके पास जल्दी चला जाता हूँ, तो वो डर जाता है, बहुत गंदा चलाता है घर पे, मुझे गालियाँ देता है, बोलता है तू डरा था क्यों ऐसा भूत की जैसे आगे यहाँ पे, मैं डर जाता हूँ। एक्चुअली वो फ्लैश लाइट में दबे खोलते हैं छुप छुप के, और मैं एकदम भाग के झटके से उसके पास चला जाता हूँ ना, तो वो डर जाता है। और मैंने सोचा कि आज मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे पोल और क्वेश्चंस डाले थे अपने लिए, तो मुझे लगा वो कुछ रिप्लाई करेगा, पर उसने रिप्लाई नहीं किया, तो अभी ब्लॉग तो बन रहा है वैसे भी, तो मैंने सोचा ये डाल देता हूँ उसका, अभी वो उसकी वीडियो निकालूंगा डालूंगा, तो मुझे उस अगर वो मुझे क्वेश्चनरी पे कुछ लिखता था, तो मैं उसको इंस्टाग्राम पे ये डालता था कि क्यों रात को पूरा हिला दिया ना। ओके गाइस, तो पूरे दिन का ब्लॉग बन के रेडी हो चुका है, अभी रात के 2 या 2:15 बज रहे होंगे जब मैं सोऊंगा, तो चलो गुड नाइट, बाय, थैंक यू, टेक केयर, एंड वीडियो देखिएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा ज़रूर। इतना 17 मिनट की वीडियो बनाई है, पूरा दिन खर्च किया है इसके लिए मैंने, अपना पूरा मतलब दिन का जो है पूरी वीडियो दिखाई मैंने क्या क्या किया है, तो प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट एक शेयर तो बनता ही है, और सब्सक्राइब भी बनता है, प्लीज़ तो करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट ऑलवेज़।